ये देखिए मेरे ब्रेसलेट की फोटो। ये तो वही ब्रेसलेट है जो मीरा ने प्रोजेक्टर पर दिखाया था। ये शॉकिंग रिएक्शन देना बंद कीजिए और कुछ काम भी कीजिए। खुले बाहर करो ना मेरे ब्रेसलेट। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप हमारे ही थाने में खड़े होकर हमारे मैडम सर से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। ये हमारी सीनियर है, यहाँ पर ऑर्डर ई देंगी। आपको कोई अधिकार नहीं है हमको ई बताने का कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक और बात, चोरी हुआ है, प्रोसीजर होता है, फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है। नूडल थोड़ी है तो गैस पर चढ़ाएं, उबाले, प्लेट में रख के खा लिए, वक्त लगता है। सॉरी मैडम सर। देखिए सर, स्वीटी आप प्लीज इत्मीनान रखिए, सबसे पहले आप अपनी FIR लिखवाइए। FIR करें? मिनिस्टर साहब के साले हैं हम, और DSP सर के साथ हम यहाँ पे आए हैं, और ये बोल रहा है कि FIR करें। कुछ कही ना सर। देखिए स्वीटी, बात ऐसी है ना कि पुलिस के काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। जब तक FIR नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं आप? जीता चतुर्वेदी, बात सुनो, जैसे ही FIR हो जाए टीम को भेज दो तफ्तीश के लिए, समझ गए ना? जी सर। हसीना मलिक जी, आपसे इस केस के बारे में कुछ बात करनी है। जी सर। चीता चतुर्वेदी, करिश्मा सिंह को फोन करिए, उन्हें पूरी सिचुएशन समझाइए और उनसे कहिए कि तुरंत इस ब्रेसलेट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। जी मैडम। आप यहाँ बैठिए, FIR लिखवाइए। सर आइए प्लीज। चलिए बैठिए 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 मैडम बैठिए 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 बैठिए। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, करिश्मा सिंह गई हैं पार्लर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है। क्या? ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ सर? अरे बहुत ही जरूरी खबर है आप लोगों के लिए। मीरा को इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए प्रयोगशाला भेजना पड़ा है। क्या अचानक? अब केस में तहकीकात के लिए वो नहीं रहेगी आप लोगों के साथ, वो सारी तहकीकात आप ही लोगों को करनी होगी। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाइए। जी सर। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वापस हिलाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ आईब्रो, आधा का पूरा करने आया था, ये पूरा का आधा कर दिया आपने। अच्छा अच्छा। की हो रहा है साडे पार्लर विच? ओए पुष्पू, तू फिर से आ गई अपनी फौज को लेके। अरे यार, जिसने भी बोला है एकदम वड्डिया बोला है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। चुप, हमें हमारा काम करने दो। बिशी स्मार्ट वाच चेष्टा करो ना, ठीक है से? क्या ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अरे कोशिश की क्या जरूरत है, हम तो स्मार्ट है ही। मेरी ब्रेसलेट किधर है? ब्रेसलेट? कैडा ब्रेसलेट, क्या बोल रही है? सुनो, आप शांत हो जाइए, हम समझाते हैं इनको, हम बात करते हैं। आप मुझे शांत होने के लिए क्यों कह रहे हैं? इन्हें कहिए ना मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं सड़क पे चलती हुई लड़की नहीं हूँ। मेरे जी जो मंत्री है मंत्री, ऐसे चुटकियों में ना ट्रांसफर करवा सकती हूँ, इसलिए जरा होश में आके बात कीजिए। अपने हवालदार को बोलो मेरे लिए कॉफी लाने के लिए। सुनो मैडम, थोड़ा शांति से, उम्र में बड़ी है आपसे, वो नहीं दिख रहा तो वर्दी तो दिख रहा होगा, वर्दी पहना है उन्होंने। चाय कॉफी लाने के लिए वर्दी नहीं पहना है हमने, हमने वर्दी पहना है न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, समझ रही हैं बात को? तो अपनी जो पावर की गर्मी है ना, इसको अपने पास ही रखिए। हमने अपना पावर का गर्मी दिखाएगा ना कहीं की नहीं रह जाओगी। पुलिस का तफ्तीश चल रहा है यहाँ पे, सब शांत रहेंगे। पुष्पा जी। जी मैडम। जी चलिए चलिए, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। क्या अब आपको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चलिए हम मदद करते हैं, उठिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप बैठी रहिए। अरे ये सब क्या चल रहा है? अब पुलिस की कंफर्ट के हिसाब से ये सब चलेगा? जिसको लाइन में खड़ा रहना है रहे, हम तो हमारा वैक्सीन का काम खत्म करके यहाँ से खड़े होंगे।
अरे मैडम देखिए, हम आपको यहाँ से निकलने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। पुलिस का तफ्तीश चल रहा है, आप वैक्सिंग बाद में भी करा सकती हैं ना। अब यही सब काम रह गया हमारे लिए? अरे इंसान को 100 काम होते हैं, और वैसे भी कल हमारा व्रत है, तो वैक्सीन तो आज और अभी होगा बस। एक्सक्यूज बोंगल, एक्सक्यूज, वैक्सीन हम करा देंगे, नो प्रॉब्लम। मतलब चन्नी चन्नी और मैं आपके घर आएंगे, वैक्सीन करेंगे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना। तुम करोगे? अरे इधर आ, इधर मुझे खड़ा करो, इधर आ, इधर आ। हो गया, मुझे नहीं करवाना वैक्सीन। अरे अरे मेरी बात तो मत नहीं, अरे मुझे कुछ, आप लोगों ने ना बैंड बजा दी मेरे पार्लर दी। अरे कोई बताएगा भी यहाँ पे क्या हो रहा है? पता देखिए, मैं ना ह्यूमन राइट्स को फोन करूंगी और यहाँ बुला लूंगी, बताऊंगी कि पुलिस मेरे साथ क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। शांति शांति, हम आपको बताते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आइए हमारे साथ आइए। किसी के पास कुछ नहीं मिला मैडम जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अपने एक एक बंदी को पर्सनली जानती हूँ, ऐसा नीच जलील काम कोई नहीं कर सकता जी। मैंने विश्वास है ये जरूर कोई बाहर वाले का काम है। पुलिस का तफ्तीश चल रहा है अब। पुष्पा जी सीसीटीवी फुटेज निकालिए। है क्या सीसीटीवी फुटेज? हमें नहीं आता वो सब करना। मीरा होती तो बात अलग थी, वो कर लेती ना हमें। ठीक है ठीक है, रानी या रानी अपना सीसीटीवी फुटेज है ना, दिखा दो पुलिस वालों को। मुझे अच्छे से याद है, मैम ने अपनी ब्रेसलेट अपने हैंडबैग में ही रखी थी और मंजू मैम ने उसमें इनकी हेल्प भी की थी, जैसा कि ये हर एक कस्टमर के साथ करती हैं। हाँ। रिवाइंड कीजिए। एक मिनट, यहाँ जितने भी हमें लड़कियां नजर आ रही हैं, उनमें से सब मौजूद है, लेकिन ये कौन है? ये नहीं दिखाई दे रही है ये? हाँ। अरे ये तो हेमा है, हमारी यहाँ सफाई करने आन दी जी। अब बहुत अच्छी लड़की है, हाँ, और एकदम नेक है, ईमानदार है, और अभी थोड़ा सा बीमार चल रही है जी, इसके लिए घर में छुट्टी लेके बैठी है। अगर वो रहती ना इधर, तो किसी का मचाल नहीं है कि इधर का चीज उधर हो जाए। ये तो है, हेमा ईमानदार बहुत है। एक बार एक कस्टमर की गोल्ड रिंग यहाँ गिर गई थी, तो उसे साफ सफाई के टाइम मिली, उसने पूरी ईमानदारी के साथ वो रिंग उसे लौटा दी थी। पुष्पा जी हर चीज अच्छे से चेक कीजिए प्लीज। जी मैडम, चल बिल्ले चेक करो। चलो खुद को बुला मारा। हम सर्विस रूम चेक कर कराते। हाँ चांदनी जाओ साथ में, जाओ जी। चल प्लीज कम मैम। कुछ नहीं। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ कोई मर्द ही नहीं है, तो फिर चोरी कैसे हुआ? हमको लग रहा है कि चोर यहीं की है, लेकिन मदद जो है वो किसी बाहर के मर्द ने की, आप समझ रही हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इनके सबका कुंडली निकालना पड़ेगा, इनके घर में कौन है, पति बॉयफ्रेंड जितने भी रिश्तेदार में मर्द है, सबका डिटेल चाहिए, सबका कुंडली चाहिए हमको, ठीक है? पुष्पा जी। जी मैडम। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं, सबके घर में जो भी रिश्तेदार घर में जो भी रहते हैं, सबके नाम नंबर के साथ पूरा डिटेल लीजिए। जी जी। मैडम सर, हमने पूरा का पूरा पार्लर खुरेद डाला, लेकिन हमको कुछ सुराग नहीं मिला, कोई लिंक नहीं मिला, ब्रेसलेट व्रेसलेट कुछ नहीं मिला हमको। और सीसीटीवी फुटेज? नो क्लू। नो मैडम सर, नेगेटिव।
बाप रे, मीरा का चिप चबा गई का? बक नहीं वो मैडम सर, मीरा हर वक्त साथ रहती है ना, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही ना। हाँ पुष्पा जी, लेकिन वो असर निकाल दीजिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं मीरा को एक बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए वापस लैब भेजा गया है। इसलिए ये केस हमें खुद ही सॉल्व करना होगा बिना उसकी मदद के। ओके मीरा, मीरा का लगाया हुआ है आपने? हाँ हम काफी नहीं है क्या आपके लिए? नहीं, जब आप रोज घर पे जाती हैं तो आपको शिकायत करके कौन देता है? आपके बालों में काला रंग कौन लगाता है? क्या हल्दी वाला दूध कौन पिलाता है आपको? रात को 2 बजे उठ के आपके पैरों की मालिश कौन करता है? कौन आपका साथ देता है? हम, और आप मीरा मीरा कर रही हैं। मीरा से पहले भी हम थे, मीरा के बाद भी हम ही होंगे। बहू का नाम जपेंगी ना तभी मोक्ष प्राप्त करेंगी, ध्यान रखना इस बात को पुष्पा जी। मोक्ष कहाँ, कर्मों का फल है ये बहू। कुछ कहा आपने? हाँ नहीं, फोकस कीजिए प्लीज आप दोनों, हमारे पास एक केस है सॉल्व करने के लिए। ओके जी। देखिए हमें ऐसा लगता है कि हमें इस पूरे मामले के बारे में एक अलग एंगल से सोचना होगा। अब तक हम ब्रेसलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अब हमें चोर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। चोर मिल जाएगा, ब्रेसलेट मिल जाएगा। पर सवाल तो वही है ना मैडम सर, कि उस ब्रेसलेट चोर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? अभी करिश्मा मैडम बताएं कि पार्लर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेसलेट चोर हवा में आया और हवा में ही चोरी करके उड़ गया। तो फिर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाना होगा। समझे नहीं मैडम सर। अरे मैडम सर के कहने का मतलब है कि पार्लर से बाहर निकल के शहर में चोर को ढूंढो, अगर जरूरत पड़े तो पूरे राज्य में ढूंढो। हमको पार्लर में नहीं, अब बाहर चोर को ढूंढना है। चोर कहीं भी हो सकता है। हाँ मैडम सर, मगर कैसे? हमें पता भी तो नहीं ना चोर कहाँ है, कैसे दिखता है। हमारे पास उसकी ना कोई पहचान है, ना कोई धुंधली सी तस्वीर भी। कैसे ढूंढेंगे उसे? एक मीरा ही तो थी जो उसे जानती थी, पहचानती थी, अब वो भी नहीं है। वैसे मैडम सर, हमारे पास एक आइडिया है, अगर आप इजाजत दे तो हम पेश करें। अमा क्या अकबर के दरबार में खड़ी है क्या, जो शाही रस का इजाजत मांग रही है? आप मुद्दे पे आइए ना। सीनियर से बात करने का ना एक सलीका होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि जो मुंह में आया बक दिए। और क्या भाषा है आपकी? हाँ ये उर्दू बोल रही हैं आप, और ये रस्क नहीं होता, रक्स होता है, रक्स। हाँ उर्दू आपको, या उर्दू आपके ये जो तफल्लुज है ना, तलफ्फुज। हाँ भाई वो सुधारिए, उर्दू सीखिए आप हमसे। आइडिया देंगी अब आप? हाँ मैडम सर, क्यों ना हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर चोर का स्केच बनवाए। मतलब कुछ तो मदद होगी ना हमें उसे ढूंढने में। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस आर्टिस्ट को बताएगा कौन चोर का हुलिया? हम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे स्केच आर्टिस्ट को उसका ब्रीफ देने की। पुष्पा जी। जी मैडम सर। बुलाइए स्केच आर्टिस्ट। ओके, ये इंसान कहीं से भी किसी से भी, हमें इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। इसके लिए स्केच की कॉपी बनवा कर सारे शहर में लगवा दूं। और जुर्म क्या बताओगे? चोरी करने वाला है इसलिए हम इसको पकड़ रहे हैं, पूरी दुनिया चूरन समझेगी तुमको। और वैसे भी इन भवों में ना तुम चूरन से कम नहीं लग रहे हो। दीवार पर चाट चाट कर फोटो किसको लगाना है? तुम्हें को तो लगाना है, उठाओ फोटो, निकलो यहाँ से। प्लीज 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 केस पर फोकस करिए, हमारे पास एक केस है जो हमें सॉल्व करना है और किसी भी कीमत पर इस चोर तक पहुंचना है। क्या मैडम, कितने टाइम से आपको पूरे शहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गली का कुत्ता भी भौंकता है तो सबसे पहले मुझे पता होता है। ऐसा कोई ब्रेसलेट चोर पूरे लखनऊ शहर में नहीं है, गारंटी के साथ बोलता हूँ। मजाक कर रही है क्या? अरे बाबू रे, ना तो तुम हमारी साली है ना हम तुम्हारे जीजा की, हम तुमसे मजाक करेंगे, समझ रहे हैं ना? और जो कह रहे हैं कि चोरी हुआ है तो हुआ है, और तुम तो यार पुलिस का इतना पुराना मुखबिर है, पता करो कहाँ से कौन चुराया है, पता करो और चुपचाप बताओ, बहाना मत दो, समझे ना? रखो फोन। शम्मी चरसी है? हाँ शम्मी चरसी हमारे पुलिस का बहुत पुराना इन्फॉर्मर है, उसको 100% पता होगा कि ये ब्रेसलेट चोर का है। भाई चलो शहर के बाहर, चलो चलो शहर के बाहर। मैडम
हाँ वो शहर के बाहर रहता है आजकल, चलो जल्दी चलो। आप सुनार व्यापार संघ के इतने बड़े सचिव हैं और इस केस में आप हमारी मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले तो हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। तो क्या आपने माँ वो धूप तेज है, धूप तेज है इसे। तो क्या आपने अपने व्यापार क्षेत्र में पूछताछ की, जानकारी निकाली कि किसी ज्वेलरी शॉप में कोई आदमी या औरत एक सोने का महंगा ब्रेसलेट बेचने आया हो या आई हो? हम बात कर रहे हैं ना। मैं औरत लेके बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैंने पता किया पूरे लखनऊ शहर में उस तरह का ब्रेसलेट बेचने कोई भी नहीं आया। हर कोशिश करके देख ली, हर तरीके से ट्राई कर लिया, पर इस ब्रेसलेट चोर तक पहुंचने का कोई भी कॉन्क्रीट क्लू हाथ नहीं आया। क्या करें, कैसे पहुंचे इस चोर तक? क्या? अरे हम सब जानते हैं मिस मलिक, आप भी तो जानिए। अरे भाई हमने कहा ना, हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, चाहे जिसे अरेस्ट करना है करिए, चाहे जिसे अंदर डालिए, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, ब्रेसलेट निकालिए। वो ब्रेसलेट मंत्री जी की साली का है, नहीं तो वो हमारी हालत खराब कर देंगे, आप समझ रही हैं ना? हाँ सर, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप प्लीज निश्चिंत रहिए, ब्रेसलेट भी मिल जाएगा और हम ये केस भी बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? भरोसा रखिए सर। हमें आपसे यही उम्मीद थी मिस मलिक, जादू की छड़ी घुमाइए और हमारी जान बचाइए। हाँ जी सर, थैंक यू, जय। हाँ अब बोलो। मैडम सर क्या हुआ? आप जी जी नमस्ते जी, आप कहीं जा रही हैं कहा मंजू जी? हाँ जी हाँ, मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ दर्शन करने, यहाँ से सीधा स्टेशन जाऊंगी जी। एक मिनट, ऐसे नहीं जा सकती आप, हमने आपसे कहा था कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, ब्रेसलेट नहीं मिल जाता, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ जी मालूम है जी, मालूम है, छानबीन कैसी चल रही है, ब्रेसलेट दी ना, अरे ब्रेसलेट तो मिल गया जी। क्या? हाँ अब जब ब्रेसलेट मिल गया तो छानबीन की थी। हाँ जी, जी, जी। एक सेकंड, ब्रेसलेट मिल गया? कैसे मिला, कहाँ मिला? वो हमारी हेमा है ना सर्वेंट, वो अभी काम पे लौटी आज सुबह और उसने ना वैक्सीन रूम की पूरी सफाई कर दी, तो सोफे के नीचे मिला जी उसको वो कलमोही स्वीटी दा ब्रेसलेट, रोला पारा 86 जान ने कमबख्त ने। अब हेमा ने ब्रेसलेट ला के मेनू दिया, मैंने तुरंत फोन कर दिया उसे और वो आके ले गई अपना ब्रेसलेट। चलो जी, जय माता जी, मैं चलती हूँ। हाँ जी अब मैडम सर क्या हुआ, आपने हमें बीच में क्यों बुला लिया, अभी तक हमारी पड़ताल पूरी नहीं हुई। आपने भी तो हमें बुला लिया ना पुष्पा जी, तो इसलिए पूछ रहे हैं ना। हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि अब केस खत्म हो चुका है। का? क्या जी? ब्रेसलेट मिल गया है। मिल गया उसको स्वीटी को अपना ब्रेसलेट मिल गया? कैसे मतलब, चोर पकड़ा गया? नहीं चोर नहीं पकड़ा गया, दरअसल हुआ ये कि उस पार्लर में जो क्लीनर है हेमा, उसने आज आके साफ सफाई की तो सोफे के नीचे उसे कहीं ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिला, उसने वो ब्रेसलेट मंजू को दिया और मंजू ने स्वीटी को, और स्वीटी ने केस क्लोज कर दिया, मामला खत्म। पर मैडम सर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है, मीरा जी ने ना ब्रेसलेट चोरी होते हुए देखा है, गिरते या गुम होते हुए थोड़ी। बात तो तुम सही कह रहे हो। नहीं माफ कीजिएगा मैडम सर, हम इस बात से सहमत नहीं है चीते की। मीरा कितनी ही आधुनिक तकनीक से लैस क्यों ना हो, लेकिन है तो मशीन ना, कभी भी बिगड़ सकती है वो, कभी उसका कल पुर्जा ढीला हो गया तो फिर वो कुछ गलत भविष्यवाणी भी तो कर सकती है ना। अब उदाहरण के रूप में कहे तो हमें कहीं जाना होता है तो हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमें पहुंचना होता है, लेकिन वो हमें ये तो नहीं बताता है ना रास्ते में किसी का बारात जा रहा है इसलिए मामला अटक गया है, या सड़क क्रॉस कर रहा है कोई जानवर का झुंड इसलिए मामला अटक गया है। मशीन है, कभी गलत भी बता सकती है वो। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, एक एक को जल भिजवाऊंगी।
अरे एक मिनट मैडम, क्या हो गया भाई? पहले आपको बोले था ट्रांसलेटर लेकर घुमा कीजिए, आम लोगों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं और उस फ्रॉड पार्लर वाली को पार्लर कर दो ना, मैं ऐसे सील करवाऊंगी इस जन्म में तो दोबारा खुलने से रहा। अरे पर जहाँ तक हमको पता है उनका पार्लर तो बंद है ना, वो तो शहर के बाहर गई है। तो उसके लौटने पे खुलवा कर दोबारा बंद करवाऊंगी, लेकिन बंद तो मैं ही करवाऊंगी। मेरी लाखों की कीमत वाली ब्रेसलेट को हड़प ली। कहाँ हड़प गई? कौन हड़प गई? ब्रेसलेट तो मिल गया है ना आपको। अरे नकली ब्रेसलेट है, 450 रुपए का। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसको नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाइए। मैं नहीं रहूंगी शांत। प्लीज आराम से, इत्मीनान से बताइए क्या हुआ है। होना क्या है, नहाने गई तो ब्रेसलेट का कलर छूटने लगा, अपने ज्वेलर से चेक करवाया तो पता चला कि ये नकली है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बर्बाद करके रख दूंगी। जी पुष्पा जी कहिए। अच्छा ठीक है ओके, थैंक यू। क्या हुआ मैडम सर, अगर ये नकली है तो फिर असली ब्रेसलेट कहाँ है? वो तो अब असली चोर ही बताएगा, और वो भी आज रात को।